ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस ने नकली रॉयल्टी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे के खाड़ी अथवा खजानों से रेती निकालने के लिए जिला प्रशासन की तर्ज पर फर्जी रॉयल्टी बुक का मामला सामने आया है। ये अपराधी पिछले 3 महीनों से नकली रॉयल्टी बुक बनाकर राजस्व को 1,28,00,000 रुपये का चूना लगा चुके हैं। ठाणे पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि ठाणे हफ्ता विरोधी दस्ते के प्रमुख प्रदीप शर्मा को जानकारी मिली कि कुछ लोग नकली रॉयल्टी बुक बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 156 फर्जी रॉयल्टी बुक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,28,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव भी जब्त किए गए हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ लोग डुप्लीकेट रिसिट बना के रेती के लिए ये बेचने का काम करते हैं। हमारे जो क्राइम ब्रांच के ACP कदम साहब, उनके अंडर में जो हमारा ये सेल है, उसके चौथी साहब उन्होंने एक टीम बनाया और टीम के बाद हमें पता चला कि हमने एक आदमी को कलवा नाका जो वहाँ से उठाया तो उसके पास एक बुक हमको मिला। वो बुक टोटल इलीगल था। जो डुप्लीकेट बुक बनाया था उसमें वो रॉयल्टी देता था। उसको रेती चाहिए तो रेती का देता था, अगर मिट्टी चाहिए तो मिट्टी का देता था, लेकिन ज़्यादातर वो रेती का ही देता था। तो ऐसे हमने करीब 250 के आसपास हमने ये बुक उसके तरफ से जब्त किए हुए हैं और उसमें अभी तक हमने 10 आरोपियों को पकड़ के कोर्ट में पेश किया है। जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें सभी का अलग अलग काम था। कोई स्टैम्प बनाता था तो कोई प्रिंट करता था, इसी तरह सभी का अलग अलग काम था। बहरहाल पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्या और भी लोग इस गिरोह में शामिल है। इन 10 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।